नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर किया नमन, श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मोदी ने सोशल मीडिया पर शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शुक्रवार को बिहार के दौरे पर आएंगे, जहां वे पटना के IGIMS में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी और भागलपुर के जवाहर मेडिकल कॉलेज में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज और PMCH के वर्ल्ड क्लास अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। वहीं दरभंगा में एम्स के प्रस्तावित स्थल का मुआयना भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन कहा कि सरकार के प्रमुखों से पुराने दिनों की बादशाह होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती और हम शांति युग में नहीं हैं। इसी के साथ न्यायालय ने उत्तराखंड के वन मंत्री और अन्य की राय की अनदेखी करते हुए एक IFS अधिकारी को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी सवाल खड़े किए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक दिवस पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भविष्य में सरकारी शिक्षकों की पोस्टिंग उनके गृह जिले में की जाएगी। उन्होंने बताया कि सितंबर के अंत तक ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति लागू होगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जारी रहने के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में राजनीतिक टिप्पणियों से परहेज करने की सलाह दी है। यूनुस ने कहा कि हसीना को तब तक चुप रहना चाहिए जब तक ढाका उनके प्रत्यर्पण की मांग नहीं करता। मंगोलिया की टीम ने ICC पुरुष T20 विश्व कप एशिया क्वालिफायर A 2024 के मैच में केवल 10 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जो किसी भी टीम का सबसे छोटा इंटरनेशनल स्कोर है। सिंगापुर ने 5 गेंदों में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। RJD कार्यालय में अमर शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजद ने जगदेव प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग उठाई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत उनके और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका में हो सकता है। पुतिन ने गुरुवार को यूक्रेन से बातचीत का संकेत देते हुए भारत के अलावा चीन और ब्राजील का नाम लिया, जो यूक्रेन के साथ संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं। पटना से चलने वाली 2 वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव की घटनाएं सामने आई है। बुधवार की रात लखनऊ पटना वंदे भारत और आज सुबह रांची पटना वंदे भारत पर पत्थर फेंके गए, जिससे ट्रेन के शीशे टूट गए हैं। पुलिस और रेलवे इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन किसी यात्री की घायल होने की सूचना नहीं है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। एक ओर जहां अभिषेक सिंघवी ने अपने दलीलों से जमानत की मांग की, वहीं CBI ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को विकिपीडिया को चेतावनी दी कि यदि उसने भारत में अपना बिजनेस जारी रखा तो उसकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। ये विवाद विकिपीडिया पर मानहानि के आरोप के तहत ANI द्वारा दायर किए गए मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें ANI ने विकिपीडिया को केंद्र सरकार का प्रोपेगेंडा टूल बताते हुए 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर संबंधित बयान पर पलटवार किया और कहा कि अगर NDE गठबंधन की सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान चला जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर 60 सालों तक अनुच्छेद 370 हटाने की हिम्मत न दिखाने का भी आरोप लगाया। भारत के पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पेरिस के पैरालंपिक में पुरुषों के रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। ये ओलंपिक या पैरालंपिक में भारत का पहला गोल्ड मेडल है। भारत ने पेरिस में कुल 4 गोल्ड और 22 पदक जीतकर अपनी पदक संख्या बढ़ा ली है। वहीं PM मोदी ने हरविंदर को बधाई दी है। सम्राट चौधरी ने सरकार की ओर से तय किए गए बंगले में जाने से इनकार कर दिया। सम्राट चौधरी की डिमांड पर सरकार ने उन्हें दूसरा बंगला आवंटित कर दिया है। भारत और सिंगापुर ने आज अपनी रणनीतिक साझेदारी को समग्र रणनीतिक साझेदारी में बदलने के लिए 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास का।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन बीती रात भी जारी रहा। हजारों महिलाओं ने रिक्लेम द नाइट अभियान के तहत मध्यरात्रि में मार्च निकाला और न्याय की मांग की। बिहार के गया के सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल को टक्कर देने के लिए प्रसिद्धि मिली है, जहां के छात्र फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। इस उपलब्धि का श्रेय प्रिंसिपल वीरेंद्र कुमार को जाता है, जिन्होंने स्कूल को हाईटेक बनाया। शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्हें राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी चालक गति पकड़ रहे हैं और देश की आर्थिक वृद्धि लगातार तेजी से हो रही है। FIBAC 2024 के उद्घाटन भाषण में उन्होंने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में हो रहे व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत इन बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिया कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी खत्म की जा सकती है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अब खुद EV और CNG वाहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। BCCI के सचिव जय शाह के ICC का चेयरमैन निर्वाचित होने के बाद 29 सितंबर को बेंगलुरु में बोर्ड की वार्षिक आम बैठक होगी। नए सचिव की चुनाव की संभावना फिलहाल बैठक के एजेंडे में नहीं है। इस स्थिति के कारण BCCI में शाह की जगह को लेकर अटकलें तेज हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर केंद्र की दी गई राशि को सही ढंग से खर्च नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती है, लेकिन केंद्र की फंडिंग का भी सही उपयोग नहीं कर रही है। भारतीय शेयर बाजार का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुए। BSE सेंसेक्स 82,201 अंकों पर 151 अंकों की कमी के साथ और निफ्टी 25,145 अंकों पर 54 अंकों की गिरावट के साथ समाप्त हुआ। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। उनकी पत्नी और जामनगर से विधायक रिवाबा जडेजा ने सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि की है। जडेजा का पार्टी में शामिल होना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वे सालों से भाईजान के साथ हैं और उनकी परछाई की तरह हर जगह उनके साथ रहते हैं। शेरा ने बताया कि वे सलमान खान के अलावा कैटरीना कैफ, ऋतिक रोशन और करीना कपूर खान को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। शिरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम तक स्थानीय लोगों के लिए निःशुल्क हेली सेवाएं कल से शुरू हो रही हैं। ये सेवा विशेष रूप से केदारनाथ धाम में व्यवसाय करने वाले व्यापारियों और स्थानीय निवासियों के लिए है। इच्छुक व्यापारियों से उनके विवरण की अपील की गई है। दिल्ली से बिहार, बिहार से दिल्ली आने जाने के लिए संपूर्ण क्रांति ट्रेन राजधानी को टक्कर देती है। इसके स्पीड और कम किराए की वजह से ये बिहारियों की पहली पसंद बन गई है। भारतीय स्टार्टअप्स ने 2024 में 13 राउंड में $100 मिलियन या उससे अधिक की फंडिंग जुटाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। निवेशकों का भरोसा कंपनियों के ग्रोथ और मुनाफे की ओर ध्यान केंद्रित करने में देखा जा रहा है। प्रमुख कंपनियों में जेप्टो, रैपिडो, लेंसकार्ट, फ्लिपकार्ट, मीशो और 5G शामिल है। इस वित्त वर्ष में देश के प्रमुख सिलेबस द्वारा किए गए टैक्स की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान शीर्ष पर हैं। शाहरुख खान ने 92 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है, जो कई बड़े अभिनेताओं को पीछे छोड़ता है। अगर आप स्कूल या कॉलेज जाने के लिए सस्ती और इको फ्रेंडली गाड़ी की तलाश में हैं, तो टाटा की इलेक्ट्रिक साइकिल आपके लिए सबसे सही विकल्प हो सकता है। टाटा की ये इलेक्ट्रिक साइकिल सिर्फ 24,000 की सस्ती कीमत में उपलब्ध है। इसे आप EMI पर भी ले सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने 2011 में एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे पास जो भी कुछ होगा वे मेरे बेटे और बेटी के बीच समान रूप से बांट दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है संजीव कुमार, नौशाद रजा, रामबाबू दास, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद साकिर हुसैन, संगम भारती, सपना कुमारी, मोहम्मद अजमेर, समिता यादव। अब चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, शिक्षा आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिए। धन्यवाद।